तो कुछ कहना है मिस्टर पटेल? देखिए सर, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, मैं क्यों मारूंगा अपनी माँ को? किसने कहा कि आपने अपने माँ को मारा है? पुलिस या? पुलिस भी और सभी ऐसा समझते हैं। पर मैंने तो नहीं कहा कि आपने अपनी माँ को मारा है। मेरे साथ ट्रीट तो ऐसे ही किया जा रहा है जैसे मैंने ही अपनी माँ को मारा। तो आपने अपनी माँ को नहीं मारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने? कुछ हड्डियां दे सकते हैं मिस्टर पटेल? हाउ कैन आई? ओके मिस्टर पटेल, एक बात बताइए कि आप अपने माँ बाप के अकेले बेटे हैं, तो फिर आपकी माँ बोरेली में और आप अपने बीवी बच्चों के साथ अंधेरी में क्यों? जी वो मतलब हाँ, बोलिए बोलिए। वो थोड़ा पर्सनल है। अब आपकी कोई भी बात पर्सनल नहीं है, सब कुछ ऑफिशियल है। सो टेल मी द ट्रूथ कि आप अपने माँ बाप से अलग क्यों रहते थे और कब से? सर, जब से शादी हुई तभी से हम लोग अलग रहते थे। वो मेरी बीवी की मेरी माँ से बनती नहीं थी तो हम अलग हो गए। आपके फादर की डेथ को कितना समय हो गया? जी 5 साल। फिर तो आप अपने माँ को साथ में रख सकते थे मिस्टर पटेल। जी सर, कोशिश की थी पर मेरी बीवी की मेरी माँ से वो सास बहू एंड ऑल। आई नो, लेकिन आपके वाइफ की नहीं बनती थी, आपकी तो बनती थी अपनी माँ से। जी बिल्कुल बनती थी। तो फिर आप वहाँ आते जाते होंगे जी हाँ, आता जाता था। मिस्टर पटेल। जब आपके माँ की बॉडी रिकवर हुई, उन्हें मरे हुए 3 दिन बीत चुके थे। जी, 3 दिन बीत चुके थे उनको। आखिरी बार आप अपनी माँ से कब मिले थे? जी कुछ याद नहीं, शायद 2-3 महीने पहले। बात तो होती होगी ना, या वो भी अपनी वाइफ से पूछ के करते थे? जी नहीं, मैं बिल्कुल करता था, मैं रहता था माँ के टच में कैसे? व्हाट्सएप से। ओ, तो आप अपनी माँ से व्हाट्सएप से टच में थे, जी यानी आप सोशल मीडिया पे हैं, हाँ, मैं FB पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, ट्विटर पे भी हूँ। काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे आप। इतना समय मिल जाता है आपको ये सब करने के लिए? सर निकालना पड़ता है, वो क्या है कि मेरा बिजनेस काफी फैला हुआ है तो मैं बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन अब एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोगों से दुनिया से जुड़े रहते हैं, और वही एक तरीका है जिससे आप इंडिया तो क्या विदेशों में भी आपके नए पुराने दोस्तों रिश्तेदारों सबसे जुड़े रहते हैं। सर मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और इसी के जरिए मैं अपडेट भी रहता हूँ और पूरी दुनिया से जुड़ा भी रहता हूँ। सिवाय अपनी माँ के। क्यों मिस्टर पटेल? नहीं, सर मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं अपनी आप इंडिया के साथ साथ विदेशों में बैठे अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के टच में तो हैं, उनकी अपडेट भी डेली लेते हैं, लेकिन यही तुम्हारी माँ बोरेली में रहती है और तुम अंधेरी में रहते हो, लेकिन उसकी अपडेट लेने की फुर्सत नहीं थी तुम्हें। किस तरह से एक्टिव हैं आप सोशल मीडिया पे रहते हुए? आप कितने अनसोशल हो चुके हैं आपको पता है? आप अपने काम अपने धंधे में इतना बिजी हो गए कि आप लोगों से ही जुदा हो गए। मिस्टर पटेल, आप अपने बीवी बच्चों के टच में तो है ना, या उनसे भी आप सोशल मीडिया के जरिए ही बात करते हैं? तुम्हें याद है आज क्या है? हाँ बाबा, मुझे याद है, तभी तो कहूं कि मैं अभी कोई मैसेज या कमेंट क्यों नहीं आया। लगता है पोस्ट अपलोड करनी पड़ेगी। जानू इधर आओ। क्या है? सेल्फी लेने के लिए।
से चीज चीज ठीक से बाबा। क्या है हो गया ना? ओके डार्लिंग चलता हूँ। आज लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। देखा 30 likes और 20 comments। अरे वाह अमेरिका वाली बुआ का भी कमेंट आया है। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे हाँ हाँ बाबा तुम्हारा गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, दिन में आ जाएगा। ओके खुश। ओके मैं चलता हूँ, आने में लेट होगा। आज हम डिनर के लिए बाहर चल रहे हैं ना? जानू मुश्किल है, तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लेना, लौट कर साथ में खा लेंगे। और अगर ज्यादा लेट हुआ तो? अरे बाबा तो वीडियो कॉलिंग कर लेना, तुम उधर से मुझे खिला देना, मैं इधर से तुम्हें खिला दूंगा। अरे सोशल मीडिया का यही एक फायदा है, अब कोई किसी से दूर नहीं, अब सब आपके करीब है। ओके चलता हूँ। क्या सच में हम करीब हैं? मिस्टर पटेल कहाँ खो गए? क्या हुआ, कहाँ खोए हो? आप शायद ठीक कह रहे हैं सर, बिजनेस और पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल गया। सोशल मीडिया के जरिए सबसे जुड़ा रहना चाहता था, लेकिन मैंने मेरे अपनों को ही छोड़ दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया, मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। आपके माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, आप जानना चाहोगे कि उनकी मौत कैसे हुई? कैसे? आपकी माँ ने आत्महत्या की थी। नहीं नहीं, माँ ने आत्महत्या की थी? यस मिस्टर पटेल ये सच है। क्यों? इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। कल मैं आपके माँ के घर गया था, वहाँ मुझे एक लेटर मिला डस्टबिन में, वह आपके माँ का सुसाइड नोट था ये, इसलिए आपको यहाँ बुलाने की जरूरत पड़ी, वरना पुलिस को आपको इंटरोगेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर पटेल सच बताना मेरी ड्यूटी है। ये लेटर पहचानते हैं हैंडराइटिंग किसकी है? ये देखो जी, मेरी माँ की है। मैं पढ़ता हूँ और आपको सुनना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या है। मैं अकेलेपन से घबरा गई हूँ मेरे पति के मौत के बाद। मुझे लगा था कि अब तो मुझे मेरे बेटे बहू का साथ मिलेगा, वो मुझे अपना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मुझे मेरे अपनों ने ही भुला दिया तो दुनिया से क्या शिकायत करना, मुझे अब जीने की कोई वजह ही नजर नहीं आती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रोहन बेटा तू अपने परिवार के साथ सुख से रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना की है हमेशा। पर एक बात कहूंगी, भगवान ना करे तुझे तेरा बेटा भी वो दिन दिखाए जो तूने मुझे दिखाए। ऊपर तेरे पापा के लिए मेरा इंतजार कर रहे, चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, तेरी माँ। मिस्टर पटेल आपने शुरू में कहा था कि आपने अपने माँ को नहीं मारा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने ही अपने माँ को मारा है। यू किल्ड योर मदर।
और तुम्हारे जैसे कितने रोहन पटेल अपने माँ बाप को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं अकेले। और कानून में भी तुम जैसे लोगों के लिए कोई सजा नहीं है। इस बात का मुझे बेहद अफसोस रहेगा मिस्टर पटेल। मैं तुम्हारी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। गुड बाय। मुझे माफ कर दे माँ। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो।